ये देखो भाई, सच में यार ये तो नाश्ते नाश्ते आगे ही बढ़ रही है भाई। रोज ऑन द पार्टी। तो यार बहुत वेलकम तुम्हारा इस मिहिर गलत के नए एपिसोड में। तुम देख लो आज अपने सामने जो गाड़ी है, गाड़ी से पहले भाई सबसे अहम इंसान है मेरे सामने, कश्मीरी मेरा भाई। हाथ मिलाओ कश्मीरी भाई से, ठीक है, क्योंकि हाथ मिलाना बहुत जरूरी है। टैलेंटेड बंदों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है कुणाल भाई, और मेरी ऑडियंस को पता है ये चीज़ यार। अच्छा उससे पहले हम बात करें कश्मीरी भाई, इस गाड़ी का बताओ कि गाड़ी कौन सी, क्या, और ये गाड़ी वर्ल्ड फेमस क्यों है, ऐसी क्या सीन है, बता दे। ये गाड़ी मॉडिफाई करवा के इसमें सिस्टम लगा के डांस करती है गाड़ी। अच्छा, शादी वगैरह में हाँ हाँ डांस करने जाती है, और कोई प्रोग्राम होता है बर्थडे वगैरह का तो भी डांस करती है। कहीं ऐसा नहीं जैसे एसीपी साहब रिटायरमेंट हुए या पुलिस का कोई महकमा रिटायरमेंट, तो वहाँ भी थाने में भी ये डांस करती है। अच्छा, हाँ ऐसा भी है, काफ़ी वीडियो है थाने की हमारे पास। हाँ हाँ, SHO साहब को भी इसमें नचा दिया गया है। तो मतलब ये कौन सी, अपनी डांसिंग कार है, मतलब आपके पास इससे पहले और भी कार्स थी ना, और स्कॉर्पियो थी, फॉर्चुनर भी थी, तो ये अपनी कौन से नंबर पे आती है ये? ये तो अब काफी पहले स्कॉर्पियो थी, फिर फॉर्चुनर है, फिर थार ली है, सब चलता रहता है। अच्छा, और जितना मैं देख पा रहा हूँ ये मुझे वैसे थार है पर जीप रूबीकॉन लग रही है, लोग आपने पूरा वैसे ही दे दिया है। पूरी है, 6 महीने में तो बन जाएगी, 7 लाख रुपए इसके एक्स्ट्रा लगे हुए गाड़ी। 7 लाख एक्स्ट्रा लगे हैं और 6 महीने आपने तैयार कर दी उसको। अच्छा, तो मतलब मुझे लग रहा है आपका ये तीसरा क्रिएशन है ना, इससे पहले आपने 2 की थी, स्कॉर्पियो होगी, फॉर्चुनर होगी, थार। अच्छा, तो अगर अच्छा देखिए जो इसकी सबसे मेन चीज़ है डांसिंग, उस पर तो अपन ध्यान देंगे कि हाँ डांसिंग तो भाई सबसे मेन। तुम देखना इसकी, तुम्हें ना इस चीज़ के लिए देखो वीडियो को ना लास्ट तक देखना है, डांसिंग वाला मैटर तो अपन दिखाएंगे। और मैं जब बोलता हूँ ना वर्ल्ड फेमस, तो भाई वर्ल्ड फेमस है कि नहीं है, सबको देखना डांसिंग इसकी, तो सबको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा डिटेल बात करते हैं मॉडिफिकेशन के ऊपर, आपने क्या क्या किया, क्योंकि लोगों ने ये भी जानना होता है यार मेरे चैनल पर स्पेशली, तो जरा बताए क्या क्या मॉडिफाई किया है इसमें। बम्पर भी चेंज है इसका। अच्छा, ये विंच है, ये लगी हुई है जो। अच्छा, ये आपने रूबिकॉन वाली लगाया हुआ है ना? अच्छा, बोनेट भी, मतलब लगभग सभी चेंज कर रहे हो आप, और ये लाइट्स भी आपने चेंज करी, थोड़ा एग्रेसिव लुक दिया इससे। हाँ, स्टील का था वो लगा दिया। अच्छा, लाइट भी एक्स्ट्रा लगी हुई है, लाइट्स एक्स्ट्रा लगी हुई है, और अच्छा जाली वाली आपने एक्स्ट्रा लगवाई, और मैं देख रहा हूँ इसके अंदर भी आपने लाइटिंग्स लगा रखी है। ये थार वाली इसका लगा हुआ है, क्या लगा है, ओके जैक कहते हैं इसको। ये बेसिकली किस लिए होता है? अच्छा, तो मतलब ये है कि पानी में जल्दी ढसे ही वैसे ही नहीं है ना, ऑफरोडिंग के लिए तो है ये गाड़ी ज्यादातर। तो अगर हम बात करें भाई, ये एलॉयज मुझे काफी खतरा लग रही है, कितने इंच के है ये? है तो 15 इंची का, मगर ये जो टायर है ना, मैं वही ध्यान दे रहा हूँ। देखो एलॉय ना बड़े छोटे हैं, एलॉय 15 इंची है, पर तुम टायर का साइज देखो, ये देख रहे हो मेरे पूरे एक ब्रांड के साइज में आ रहा है इसका टायर, इसका काफी काफी ऑफ रोडिंग टायर है ये, ठीक है। और अगर एलॉय की बात की तो एलॉय आपने न्यू व्हील्स के, मतलब क्या रेप्लिका है या फिर ओरिजिनल है? ओरिजिनल ही है। अच्छा, ओरिजिनल वॉक से। हां, और क्रोन वॉक से। हां, इसके साइड मिरर भी चेंज है, तो साइड मिरर भी आपने चेंज कर रखे हैं, तो ये बंदा भी एक पायलट है इसका। अच्छा, मुझे लगा ये भी कार के साथ आते हैं। ये पायलट है। अच्छा, पायलट है। तो भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद फैजान भाई का नाम है, ठीक है भाई। मतलब बेसिकली यही वाली गाड़ी अपनी मेन चलाते हैं, इसके पायलट यही हो गए। और तू अंदर देख लो लाइटिंग्स वगैरह सब है, अंदर भी ध्यान देंगे, तो सिस्टम भी प्रॉपर लगा हुआ है। ओके, तो ये बताओ डिस्कवरी चैनल का आपने यहाँ पे एक स्टिकर मुझे बड़ा लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए मैं हर गाड़ी पे लिखवाता हूँ। यार देखो, लोगों को लगेगा ना कि यार अच्छा बंदे को मतलब स्पॉन्सर भी अंदर यू ही लगा रहेगा। आप जरा अपनी पहुंच बताओ कि आपकी गाड़ी जब पूरी ये फेमस हुई पूरे भारत से बाहर, तो आपको किन किन लोगों को कॉन्टैक्ट आया जो आप मुझे बता रहे थे? काफी, एक तो MDC आनंद महिंद्रा से नाम ले रखा है, FM इंटरनेशनल डांस ऑन फोन लाइन। एक मिनट, आनंद महिंद्रा जिनका महिंद्रा है, उनसे आपको इनाम मिल रखा है ना, ये लोगों को समझ में आना चाहिए ना आप क्या बोल रहे हो। और आगे एक स्कॉर्पियो गाड़ी पे मिला था उसको। अच्छा अच्छा, उसके बाद हमारा अमर उजाला से भी हो गया इंटरव्यू, आज तक से भी हो गया, FM इंटरनेशनल डांस डे ऑन फोन लाइन। अच्छा, 104 पे वो भी हो गया है, इंडिया टीवी से भी हुआ है आपका, इंडिया टुडे से। ओके, और FM रेडियो भी आपका इंटरव्यू आया है 104 पे। अच्छा, और काफी मतलब मूवी पिक्चर वाले लोग भी आपको आते हैं जाते हैं, शूटिंग वगैरह में भी जाते हैं, हरियाणा के गानों में भी एक दो में। अच्छा, अक्की कालियान का गाना उसमें भी है। कौन? अक्की कालियान का गाना। अक्की कालियान, ओके, तो ये सिंगर है अपने। हाँ, सिंगर है। अच्छा, तो मतलब काफी फेमस है यार, है ना, इसमें क्या ही बताना अब। अच्छा, अगर हम यहाँ से ध्यान दे तो यार इस चीज को क्या बोलते हैं, ये ऊपर एक लाइट लगी है, ऊपर एक लाइट लगी है, सिस्टम चलती है बूफर, ये जो माइक है। अच्छा, ये माइक वगैरह है, माइक पर जैसे डांस करते हैं चलाते हैं, बाहर साउंड के लिए होती है। अच्छा, बाहर साउंड टेक्निकल आता है। ओके, और मैं देख रहा हूँ भाई इसकी टेल लाइट्स वगैरह भी आपने अलग ही लगवा रखी है, सब चेंज है। मुझे लगता है चेसी बस बचा रखा है, चेसी के अलावा सब कुछ चेंज है, इंजन और चेसी। सही बात। और ये देख लो जो थार वाले रिफ्लेक्टर्स आते हैं ये लगा रखे हैं,
और यहाँ पे कश्मीरी, ये भाई का बेसिकली भाई कश्मीरी भी है, कश्मीरी पंडित है, लेकिन भाई का ब्रांड है, ठीक है, मतलब भाई फेमस ही है कश्मीरी भाई के नाम से, कश्मीरी भाई की थार, जीप, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, कश्मीरी के नाम से मशहूर है। अच्छा, कश्मीरी के नाम से सब मशहूर है, सीतापुर में। अरे वाह, स्कॉर्पियो नाच है, अभी नाच दिखाएंगे, मुझे भी देखना है, मैंने खुद कभी नहीं देखा, ठीक है। हाँ हाँ, रुक जाओ एक मिनट यार, जो ये इसकी बात करें तो जेरी कैन, तो ये अपने पेट्रोल वाला हो गया आपको? डीजल के लिए। अच्छा, जाते हैं ऑफरोडिंग करने तो तेल वगैरह नहीं मिल पाता, ये थोड़ा ध्यान दिया है कि हाँ थोड़ा अपनी गाड़ी के लिए है ना, ये ज्यादा फैशन में नहीं आ रहा। ओके, तो यहाँ बात करें तो तुम देख लो सिद्धू मूसेवाला पाजी का भाई यहाँ पे पोस्टर लगा रखा है ट्रिब्यूट देने के लिए बेसिकली, है ना, आप भी फैन थे उनके। अरे वो आया, ठीक है, और यहाँ देख लो बेसिकली लोगोस वगैरह ही भाई ने लगवा रखे हैं। रैम्बो की फिल्म भी, रैम्बो चढ़ी हुई है। हाँ यार, ये क्योंकि जेट तो है नहीं। हाँ, ये रैम्बो है, रैम्बो रैम्बो फिल्म आती है, इसके फ्रंट पे भी रैम्बो चढ़ी हुई है, साइड में भी। पुलिस वाले रोकते नहीं ना इस फिल्म को? रोकते भी हैं तो पैसे भी कर लेते हैं साहब। हाँ, वो हो जाता है यार। मैं तो एक बार इंटीरियर से दिखा देता हूँ, तुम देख लो इंटीरियर से ना, तुम देखो अंदर से कुछ ऐसा लुक है, ठीक है, लाइटिंग्स वगैरह सब हो रखे हैं। और अगर मैं तुम्हें स्पीकर्स दिखाऊं, पायनियर के स्पीकर है दो पीछे, सनरूफ भी। हाँ यार, थार में भी देखता हूँ स्पेशली अगर सनरूफ इंस्टॉल हो जाए तो बंदे बड़े प्राउडली बोलते हैं कि मुश्किल होता है। जब गाड़ी डांस करती है तो कोई दूल्हे का भाई या दुल्हन की सिस्टर या कोई दूल्हे से रिलेशन सा होता है वो ऊपर खड़ा करके जब डांस करती है तो अच्छा लगता है उसको। यार होना जरूरी है। मैं देख रहा हूँ ये आपका कार्ड है ना, तो ये कार्ड की देखो मैं तो अपनी मतलब डिटेल वगैरह सब डाल दूंगा, पर चार्जेस बता दो, जैसे जितने लोगों को नचवाना है अपनी गाड़ियों को ऐसे ही करके इसके 12-13 हज़ार रुपए हैं। हाँ, और कहीं बाहर जाते हैं तो इसके हिसाब से होगा। तो तुमने कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, तुम अपने हिसाब से बात कर लेना, ठीक है, क्योंकि यार अपना काम हो रहा है तो भाई का भी काम होना चाहिए, ठीक है, म्यूचुअल रिलेशन बहुत अच्छा चलता है। तो सब वूफर्स है, अच्छा बेस ट्यूब है, दो बेस ट्यूब है और दो वूफर है, ये नीचे लगा हुआ है, तो पीछे से दिखा दे एक बार, खुल जाएगा ये सर भाई, खुल जाएगा पीछे, खुल जाएगा पीछे से, मुश्किल खुलेगा, भारी बहुत है। अच्छा, भारी बहुत है, ठीक है, मतलब सारे कॉम मैं देख रहा हूँ भाई, स्पीकर्स का तो बहुत, चार वूफर लगे हुए हैं। हाँ, और इसमें 8 बाल्टी लगी हुई है, तो बाहर साउंड फैक्ट्री है। अच्छा, और 6 स्पीकर है, 5 एम्पलीफायर है। बहुत ज्यादा नहीं होगी? बहुत ज्यादा इसलिए होता है डांस करने वाली गाड़ी होती है, डीजे को फेयर करना पड़ता है। तो भाई अब दिखा दे फिर डांस, अब डांस दिखाते हैं भाई, अब आएगा मेन। चलो भाई तुम देख लो, अब हमने गाना लगा दिया अपना सीन केड़ा, और अब अपनी गाड़ी नाचने वाली है। कुणाल भाई, भाई साथ में आप नहीं नाचोगे, क्या बात है ये? नाचेंगे, नाचेंगे। यहाँ गाड़ी नाचेगी, यहाँ मेरा कुणाल नाचेगा, है सब नाचेंगे। और यहाँ देख लो भाई अपने वीडियो भी बना रहे हैं भाई। हाँ, बनाओ बनाओ भाई, सारे इंजॉय लो अपना गाना भाई। अब देखो, अरे वाह, ये देखो भाई, आओ भाई, ओए ओ भाई, तो तगड़ी नाच रही यार, ध्यान से देखो, देख लो, इसीलिए गाड़ी इतनी फेमस है, ये देखो कैसे नाचते नाचते आगे जा रही है। ओ भाई साहब, अलग अलग ही है भाई, अलग ही है, देखो ये देखो भाई, भाई सच में यार, ये तो नाचते नाचते आगे ही बढ़ रही है भाई, रोज होती पहाड़ी है। मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो का अगर तुमने वायरल नहीं किया तो भाई मैं कंटेंट ढूंढना बंद कर दूंगा भाई, इतने बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आ रहा हूं तुम्हारे लिए, तो भाई तुम लोगों को वायरल करनी है वीडियो को, लाइक मार दो ज्यादा से ज्यादा, शेयर कर दो वीडियो को, देखो भाई ये कहीं देखने मिलेगा। भाई मजा आ गया यार, मजा आ गया। यार कश्मीरी भाई मुझे ये बताओ, ये ना लोगों को बड़ा जानने का होगा यार, ये डांस करती कैसे है? ये अपनी एक तो हमारा एक्सपीरियंस होता है। हाँ, थोड़ा गाड़ी को भी चेंज करवाना पड़ता है, गाड़ी को थोड़ा चेंज करवाना पड़ता है, तो आप मतलब बताओगे नहीं कि क्या चेंज करवाया है ना, आएंगे तो फिर हम क्या रह जाएंगे। सही बात है यार, देखो ये ना तुम लोग खुद अंदाजा लगाओ भाई, ये बताने वाली चीज भी नहीं है कि यार भाई ने ऐसा क्या चेंज करवाया है। अब चेंज करवाने तो देखो वो भी आसान है, वो भी कोई भी चेंज करा लेगा सस्पेंशन में जो भी मतलब चेंज होता होगा, लेकिन उसको फिर उसी हिसाब से भाई काम करना, उसी हिसाब से फिर उसको नचवाना, वो कला है, ठीक है। और इस कला के लिए यार हम कश्मीरी भाई को काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक मारना, चैनल बने हो सब्सक्राइब करना, मेन क्या है कश्मीरी भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और अगर तुम्हें यार मतलब अपनी इस गाड़ी को नचवाना है किसी भी इवेंट पे तो मैं नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर ज़रूर भाई कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। बाकी चलो वीडियो पे एंड करते हैं, तो यार मैम ही कम तो आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, साइनिंग आउट।